हेलो स्टूडेंट्स, साइंस बिहाइंड द मैजिक। सो जैसे आपको पता है कि हमारे जितने भी मैजिक होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई साइंस है। तो आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एक नया मैजिक करने जा रहे हैं और देखेंगे कि उसके पीछे क्या साइंस है। सो आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। आज हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा और उसके पीछे की साइंस क्या है उसको भी मैं आज यहाँ पे रिवील करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो आज हम करते हैं अपना आज का मैजिक। फ्रेंड्स, तो जैसे आप जानते हो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा पैदा होती है, तो क्या हमारे शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि हम उसके अंदर उस ऊर्जा से इस पेपर को आग लगा सके? यानी कि मैं अपने हाथ के अंदर इतनी क्या ऊर्जा या एनर्जी पैदा कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ तो इसको आग लग जाए? जैसे आपने देखा होगा कि हम पत्थर को अगर रगड़ते हैं तो उससे आग लगा सकते हैं, तो क्या मैं अगर अपने हाथ को इस तरह से रगड़ता हूँ, इस तरह से रब करता हूँ, तो क्या इसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है कि मैं इस नैपकिन को आग लगा सकूँ? तो यही आज का हमारा मैजिक है। तो देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस मैजिक के अंदर, अपने हाथ को अपने रब करना है, जितना रब कर सकते उतना रब करना है, ताकि हम इसके जितना ज़्यादा रब करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारी बॉडी चार्ज होगी और जितना ज़्यादा चार्ज होगी उतने जल्दी हम इस पेपर से हम आग लगा सकते हैं, मीन्स इसको बर्न कर सकते हैं ना। तो आपको पहले 2-3 मिनट तक इसको क्या करना, रब करना है। रब किया, अब हम देखेंगे क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी रब करने के बाद इसको लगाएंगे पेपर को। अब मेरी इतनी एनर्जी तैयार हो चुकी है कि मैं इसको बर्न कर सकूं, ठीक है। सो आप देख सकते हो किस तरह से हमने इसको पूरा आग लगा दिया। तो अगर आप भी देखना चाहो कि ये देखो, हमने पूरा का पूरा उसी एनर्जी से आग तैयार की है, देख सकते हो आप। तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है कैसे तैयार हुई है, ये तैयार हुई है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर। क्या हम इस तरह से एक जो आग है एक नैपकिन के अंदर लगा सकते हैं जो एनर्जी तैयार की है? तो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो आप देख सकते हो। सो ये मैजिक जो था ये किस तरह से किया, क्या आपको लगता है ये एक मैजिक है क्या हम अपने हाथ से कि ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है इसे तैयार कर सकते हैं? जैसे आपने देखा तो इस एनर्जी से हमने क्या किया, यहाँ पर आग प्रोड्यूस कर दी।